हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम बैंक रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखने वाले हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है एटीएम। एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो है, देखिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एब्रीवेशन या फिर फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अ मशीन यूजुअली इन अ वॉल आउटसाइड अ बैंक, तो मतलब मशीन जिससे पैसे निकाले जा सकते हैं, जिस मशीन से पैसे निकाले जा सकते हैं उसी को हम लोग एटीएम बोलते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट देखिए, बैंक बैलेंस क्या होता है। अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसको हम लोग बैंक बैलेंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई वुड लाइक टू चेक माई बैंक बैलेंस प्लीज़। जैसे कि जाएँ और बैंक बैलेंस पता करना चाहें, तो बैंक बैलेंस होता है जो अकाउंट में पैसे मौजूद हैं। बैंक चार्जेस होते हैं सम्स ऑफ मनी पेड बाय कस्टमर फॉर अ बैंक सर्विस। बैंक की सर्विस इस्तेमाल के लिए कस्टमर को कुछ पैसे जो देने पड़ते हैं वही बैंक चार्जेस होते हैं। जैसे कि कई बार पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर लेने के लिए, फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए बैंक चार्जेस लगाता है, जो अगर आप बैंक से कोई सर्विस लेते हैं तो उसकी वो चार्ज लेता है। नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट होता है अ प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ द मनी पुट इनटू एंड रिमूव फ्रॉम द बैंक। जो बैंक स्टेटमेंट होता है ना कि कितने पैसे बैंक में हैं, कितने डाले गए, कितने निकाले गए, ये बैंक स्टेटमेंट होता है। एक स्टेटमेंट जिसमें यह लिखा होता है कि बैंक में कितने पैसे डाले गए हैं और कितने निकाले गए हैं। बाउंस हो जाना होता है, बैंक चेक स्वीकार नहीं करता जब बैंक में पैसे नहीं होते हैं। तो आई हैड टू पे अ प्लेंटी फी वैन माई चेक बाउंस। तो मतलब अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसके भी अलग से चार्जेस लगते हैं। तो कभी भी ऐसा चेक नहीं काटना चाहिए जिसमें पैसे आपके अकाउंट में ना हो। तो चेक बाउंस होता है कि भाई सपोज करिए कि 10 लाख का चेक काट दिया और अकाउंट में तो पैसे 10 लाख थे ही नहीं, तो चेक बाउंस हो जाएगा। लोन होता है ऋण लेना, लोन होता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट होता है एक्ट ऑफ ओवरड्रॉइंग बैंक अकाउंट, खाते में जमा से अधिक रकम निकालना। ओवरड्राफ्ट मतलब कि भाई कई बार जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं कुछ अकाउंट्स पर। अगर मान लीजिए 10,000 ही रुपए हैं अकाउंट पर और आप उसमें से 15 निकाल लें, तो आप 5,000 ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का इस्तेमाल करके निकाल रहे हैं। पे होता है अ पर्सन हुज मनी इज पेड टू और शुड बी पेड टू, रुपए पाने वाला, ठीक है, जिसको पैसे दिए जाते हैं वो पे होता है। ट्रैवलर्स चेक होता है एक कागज़ जो कि आप अपने बैंक से लेते हैं ताकि आप उसे बाद में पैसे में बदल सके जिस भी देश में आप जा रहे हैं। तो मतलब आपने एक कागज़ लिया अपने आपके सपोज करिए इंडिया में पैसे हैं और एक पेपर आपने बैंक से ले लिया है, दूसरे देश में जाकर के वो पैसे आप लोग वहाँ से निकाल लेंगे, तो वो ट्रैवलर्स चेक होता है। अपने ही अकाउंट से निकाल रहे हैं और बैंक से एक चेक लेकर के जा रहे हैं जो दूसरे देश में जाकर के आप लोग भुनवा सकते हैं। विड्रॉ होता है पैसे निकालना। बोरो होता है उधार लेना। कैशियर होता है जो बैंक में पैसे की लेन और देन का ध्यान रखता है, ठीक है, जो लेन देन का ध्यान रखता है पैसे के वो कैशियर होता है बैंक में। डिपॉजिट होता है जमा करना और इंटरेस्ट होता है ब्याज। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बैंक रिलेटेड टर्म्स हमने देखे। तो होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।